हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गोरिल्ला 450 के बारे में, जो आज ही लॉन्च हुई है बार्सिलोना में और इसका इंडिया का भी प्राइस रिवील हो गया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक आपको क्या क्या फीचर्स देती है, छोटा सा वॉक अराउंड बनाने वाले हैं। जब बाइक शोरूम में अवेलेबल होगी तो उसका प्रॉपर वॉक अराउंड बनाया जाएगा। इसके बारे में आपको बता दूँ कि इस बाइक में आपको 3 वेरियंट 5 डिफरेंट कलर मिलते हैं, प्लस काफ़ी कुछ ये हिमालयन 450 से शेयर करती है और ये एक अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट रोस्टर हो सकती है। लेट्स सी क्या क्या फीचर्स है इस बाइक में, चलिए जल्दी से बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये बाइक लॉन्च हुई है 3 वेरिएंट और 5 डिफरेंट कलर में। जो पहला कलर आपको दिख रहा है वो है ब्रावा ब्लू, सेकंड आपको दिख रहा है येलो रिबन, तीसरा है गोल्ड डिप, चौथा है प्लाया ब्लैक और पांचवा है स्मोक। इसमें आपको 3 वेरिएंट हैं जो आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर बाइक में और ये काफ़ी कुछ अपने हिमालयन से शेयर करती है, जैसे इसका इंजन, इसका पावर, इसका परफॉर्मेंस, इसका हैंडल बार, इसके स्विचेस, इसकी लाइट की टेल लाइट भी सेम ही है। तो बाइक के वेरिएंट्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने बोला कि इसमें 3 वेरिएंट है, तो इसके वेरिएंट्स एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। वेरिएंट के हिसाब से इनमें कलर्स हैं एंड आपको मिल जाएगा बेस, जो आपका बेस वेरिएंट है उसमें आपको मिल जाएगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको ट्रिपल डैशबोर्ड एज एन ऑप्शन मिल जाएगा एंड जो टॉप मॉडल है TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, जो हिमालयन से ये शेयर करेगा एंड विल हैव अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बात करेगा वेरिएंट के कॉस्ट की, तो इसमें जैसे मैंने बोला 3 वेरिएंट है, तो आपका जो एनालॉग वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 2,39,000, अप्रॉक्सीमेट 2,40,000 से स्टार्ट हो जाता है। मिड वेरिएंट जो इसका है, जिसे डैश कहते हैं उसको, वो है 2,49,000 का, वेरेज जो आपका टॉप मॉडल फ्लैश है वो है 2,54,000 का। जैसे मैंने बोला ये बाइक काफ़ी कुछ शेयर करती है हिमालयन 450 से, तो चलिए जल्दी छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। इंजन वही मिलेगा आपको 452 cc का, 885 kg की ये बाइक होने वाली है, जो 11 किलो अपने जो हिमालयन से कम है। इसका टैंक साइज आपको छोटा मिलने वाला है, 780 mm का आपको सीट हाइट मिलने वाली है, जो आपकी हिमालयन से कम है। मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगी 40-40 के रेशियो में आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देगी। इसमें आपको सेम वही दिख जाएगा, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाएगा, लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलेंगे, बैक में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा, देन आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगा, डुअल चैनल ABS मिलेगा दोनों साइड में, जैसे मैंने बोला डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो आगे वाला आपका 310 mm, पीछे वाला 270 mm का आपको मिलेगा। टायर की बात करूँ तो इसमें आपको ना अपने सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में सबसे चौड़े टायर मिलने वाले हैं। रेडियल टायर मिलेंगे 17 इंच के फ्रंट एंड बैक अलॉय व्हील के साथ, विच आर ट्यूबलेस, और जो फ्रंट व्हील का जो साइज होगा वो सेक्शन होगा 120x70 का सेक्शन होगा, वेयर जो आपका बैक का होगा वो 160x70 का। इतना चौड़ा टायर आपको मिलने वाला है इस बाइक में। जैसे मैंने बोला कि इस बाइक की हाइट 185 kg की है, सीट हाइट इसकी 780 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका रहेगा 169 mm के अराउंड। इसका जो व्हील बेस है वो 14 mm, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो आपको आराम से ना मनूवर करने में भी ट्रैफिक में आसान रहेगा। वेयर एज हाईवे पे एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो ज़्यादा छोटा नहीं है। होपफुली आपने एंजॉय किया हो मेरा वीडियो और आपको पता चल गया हो कि गोरिल्ला 450 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड।